आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बहुचर्चित नेपाली अभिनेत्री व मॉडल के बारे में जिनके सामने बॉलीवुड की अभिनेत्री भी कुछ समय के लिए फीकी पड़ जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अदिति बुदा थोकी के बारे में। YouTube पर तो आप में से कई दर्शकों ने इनके बारे में संक्षिप्त बायोग्राफी वीडियो तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अभिनेत्री अदिति बुदा थोकी के बारे में वे सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जिसे शायद आपने पहले न कहीं देखा होगा न सुना होगा। अभिनेत्री और मॉडल अदिति बुदा थोकी का जन्म 28 जून सन 1992 को नेपाल के एक शहर दमक में हुआ था, जो कि नेपाल में झापा जिले के अंतर्गत आती है। इनके पिता का नाम मोहन बुदा थोकी और माता का नाम पुष्पा बुदा थोकी है। अदिति बुदा थोकी के पिता मोहन बुदा थोकी मैनाचुली निर्माण सेवा प्राइवेट लिमिटेड बहादुरपुर नेपाल में कार्यरत हैं और माँ पुष्पा बुदा थोकी पेशे से एक फैशन डिजाइनर है। इनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने IT में ग्रेजुएशन किया है। जब अदिति ने नेपाल में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो उन्हें विभिन्न पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे। आपको एक बात और भी बता दें कि ग्लैमर की दुनिया में आने से पहले अदिति ने कभी मुंबई जाने की योजना नहीं बनाई थी। सन 2016 में इन्होंने बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उत्पाद विज्ञापन से की थी और उनका पहला विज्ञापन मैगी के लिए था, जो कि उस समय टेलीविजन की दुनिया में नूडल ब्रांड का बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली विज्ञापन बन गया था। इसके बाद अदिति ने अमेजन जैसे और भी बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के लिए भी मॉडलिंग की। फिर उन्हें भारत में मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए कई अवसर मिले। इसके बाद सन 2017 में अदिति संदीप ब्रार के पंजाबी म्यूजिक एल्बम वीडियो स्टेप कट में नजर आई थी, जो कि उस समय पंजाबी म्यूजिक एल्बम वीडियो में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक पंजाबी म्यूजिक एल्बम वीडियो बन गई थी। इसके अलावा अदिति ने मैं तेरी हो गई, नैना जैसी बहुत सारी म्यूजिक एल्बम में अभिनय किया। अदिति गायिका दर्शन रावल के साथ हवा बन के म्यूजिक एल्बम वीडियो में अपनी सुंदर अभिनय के साथ लोकप्रिय हुई। इनके मुख्य म्यूजिक एल्बम वीडियो की बात की जाए तो भारतीय गायक मिलिंद गावा के पंजाबी म्यूजिक एल्बम वीडियो मैं तेरी हो गई सबसे लोकप्रिय एवं सफल म्यूजिक एल्बम वीडियोस है। अगर हम बात करें फिल्मों में इनके प्रवेश की तो इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी सुरेंद्र पौडेल द्वारा निर्देशित 2018 की नेपाली फिल्म क्री से, जिसमें अदिति बुदा थोकी नेपाली अभिनेता अनमोल केसी के साथ अभिनय करते हुए नजर आई थी। इस फिल्म को नेपाल देश के दर्शकों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। साथ ही साथ उस वर्ष अदिति के अभिनय को काफी तारीफ मिली थी। क्री फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस पुरस्कार के साथ साथ और भी बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अदिति बुदा थोकी एक बहुत ही प्रतिभाशाली और खूबसूरत अभिनेत्री हैं और इनके स्टाइल को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारे सभी पुराने वीडियो भी देखें।